तो ये सब चीजें लेके आया हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी बचपन की यादें। Cheers. तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक नए ब्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ है। अब ये मैं सोच लेना कि लास्ट दो तीन ब्लॉग से मैंने यही टी शर्ट पहन रखी है। वो जो लास्ट ले दो ब्लॉग देखे हैं वो एक ही दिन में बनाए थे, और आज फिर मैंने इसी टी शर्ट में शुरुआत कर दी। नहाया नहीं अभी, तो यार अभी लग रहा है एसी, तो थोड़ा काम कुम करवाने के बाद फिर नहाएंगे। और ए सी लग रहा है, अरे पकौड़े लगवा था, बारू पैप कटवा था, पलारा फिर पै गया, पूरा साफ करना पड़ा यार। ये थोड़ी सी गलती रहेगी कि पहले ही लगवा लेते हैं, और पहले मेरा था नहीं कि मैं ऐसी लगवाऊंगा ऊपर वाले मम्मी के, नहीं पर लगवाना पड़ गया। मम्मी अपनी ड्यूटी कर दे, हमें छाड़ दो यार, गर्मी आ गई है, की करना है अभी। नूरा नहीं कितने तड़ी हाँ, वो धर्म पत्नी जी खदे उठ के बह जा करो, लेटी रहने। क्यों लेटी नहीं पता, क्यों बैक क्यों पेन कर रही है? कोई भी दाल वगैरह बनाती है ना तो जान के पूछेगी कि दाल के साथ रोटी खाओगी कि चावल, तो मैं जब बोलूंगा ना कि रोटी खाने है, यार मम्मी के सामने बोलो कि चावल खाने है, चावल इसको खाने होते हैं खुद, तो अगर तूने खाने तो बना ले, तेरे को कौन सा मनाही है, तेरे को कौन सा कोई चीज की मनाही है? नहीं मना ही नहीं है, फिर मैं ये सोचती ना कि आपको नहीं खाने हो, तो फिर अकेले मैं नहीं खाने हो, तो फिर शर्मा गई, देखना शर्मा के दर ही। आप भी बोल दिया करो ना कि आपने, आप तो चुपचाप रहे तो बहुत ही नहीं हो अपने खाने, फिर मैं अकेले क्या खाऊंगा, फिर मैं क्योंकि मम्मी तो रोटी खाते है, मैं भी रोटी खाना वा, अपना लग चुका है यहाँ पे, और ये भी भूल जो है बंद करवा रहे हम लोग रोशनदान, और यहाँ पे जो है गत्ता लगा देंगे हम लोग, ये जो गत्ता बचा हुआ था सारा काम कंप्लीट हो गया, बस ये फोटो से लग रही है। और अभी जो है मैं नहा लेता हूँ, और इन दिनों मैं यूज कर रहा हूँ अपने बालों के लिए मामा अर्थ का लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू और कंडीशनर, ये बेस्ट है फॉर इची एंड फ्लैकी स्कैल्प के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे मामा अर्थ का लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद लेमन एंड जिंजर। इसमें लेमन और जिंजर है जो कि आपकी ड्राई और इची स्काल्प को सूथ करने में, डैंड्रफ को रिड्यूस करने में और जेंटली क्लीन करने में हेल्प करता है। इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे मामा अर्थ का लेमन एंटी डैंड्रफ कंडीशनर विद लेमन एंड जिंजर। ये आपके बालों को सॉफ्ट और स्मूथ बनाने में और डैंड्रफ भी करने में हेल्प करता है। मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स मेरे को इसलिए पसंद है बिकॉज ये नेचुरल और हार्मफुल केमिकल फ्री होते हैं। मामा अर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव और एक इंडियन ब्रांड है। मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स जो आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नाइका, पर्पल और इनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। इसके साथ साथ इनका खुद का ऐप भी है जो कि iOS एंड्रॉइड दोनों पे अवेलेबल है, वहाँ पे भी आप इनके प्रोडक्ट्स जो है चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप इन प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे एक कूपन कोड आ रहा होगा जिसे यूज करके आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट, और इन प्रोडक्ट से जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो जाइए जल्दी से चेकआउट करें। तो अभी मैं आया था थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए जो हम बचपन में खाते थे, तो एक ये आम पापड़ बड़ा खाया है, इमली वाले गोले, वो हाथी वाले गोले होंदे मन्ने हो किथे आ रही ओ, नहीं पैकेट च नहीं आंदी पहला, पहला पैकेट आंदी होना, अजकल अमीर जमाना हो गया ना, अगे 1 रुपए दा पैकेट आंदा होंदा सी, 70 वालियां दे आहो ऐ करे, हां ये पा दे सारा कुछ पैक कर दे थोड़ा थोड़ा, चलो मैं पा लूंगा, ऐ कर 10-10 रुपए दा पैक कर दे सारा कुछ इकट्ठे ही, 10-10 रुपए दा पैसे, मैं बॉडीगार्ड मेरे बाहर खड़े हैं, चोरी चोरी होने का डर रहता हूँ, मैंने पैसे का वो एक भी गोले आते होंगे हो रहे नाभी नाभी ये लंघ की कर रहे हो आ खलारा पाया एडा, अरे मैं शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ यूट्यूब इंस्टाग्राम ओ यूट्यूब के लिए। ओहो तो गाइस यहाँ पे फोन लगता है इनका, और यहाँ पे निधि जी खड़े होकर अपनी वीडियो बनाते हो, और मम्मी इंस्पेक्शन करते हुए कि क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है कपड़े की, छिजे ना तो मत खरीदना कहीं, अभी जो निधि नेक्स्ट इस सूट की वीडियो बना के डालने वाले हैं, पता की लेके आया बचपन से जो चीजें नहीं खाते होंगे ये इमली वाले गोले चूरन वगैरह वो लेके आया खाने, ध्यान नहीं दे रही ना, अब खाना मैं बताता हूँ तुमको, छोटे अंदर खाने हाथी वाली गोलियां वो सारा कुछ लेके आया है। तो गाइस सारे सामान को जो है इस
टेबल पे लगाते हैं, कमी लेके आया हूँ ताकि वेस्ट ना हो जितना खाया जाएगा, मतलब एक दिन में तो नहीं खाया जाएगा। बाकी इसको खोल के यहाँ पे रखते हैं सारे सामान को। तो पहला काटते हैं आप, देखो मम्मी पहला 1 रुपये पैकेट आंदा ही ना, और 5 रुपये दी इन्नी डुबी, महंगाई वध गई है आज मुल्ले। जैम चांद तारे अनारदाना ये भी बड़ा खादा, ये की है वो मैंगो बाइट कैंडी। ओए हो मम्मी चूरण हे बड़े घंट खाते होंगे ना छोटे होंगे, और पुदीने वाली गोलियां मिल्की बार। मेरे को जेम्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये सब कुछ खाया है? हाँ। ये पैकेट में आती थी ना पहले 1 रुपये की, खाई है? हाथी वाली गोलियां खाधी नहीं? नहीं ये नहीं खाई भाई, निधि ने तो बचपन ही नहीं देखा, आधी चीजें तो मिली नहीं। पर मैं ये जल्दी खाई है निधि? हाँ ये तो मैंने बहुत खाई है। सच रोचक भी नहीं मिले? रोचक खाधा गाइस? बहुत सारी चीजें जो नहीं मिली, जैसे रोचक था, आम पाचक था, वो सब चीजें नहीं मिली। चलो कोई बात नहीं, जो जो मिला वो मैं ले आया, बचपन याद आ गया गाइस पूरा, मतलब क्रेजी यार ये सब चीजें, इनका अलग ही मजा था यार। आपकी दुकान से एक चीज ले खाने को यार। एक मिनट रुक जा, अभी नहीं, अभी अभी कुछ नहीं खाना, रुक जा खाने दो। अरे खाने दूंगा ना, रुक जा पहले सारा कुछ लगाने दे। मैंने भी बड़े खाए, ये खाए हैं तो गोले गोले नहीं, रुक जा अभी कुछ नहीं खाना, हाथ नहीं लगाना अभी। आ खा दिया साढ़े तो 1 रुपये की किन्नी मिलती होंगी यार? पता नहीं बस नहीं है अभी तक। आए हाय हाय मली वाले गोले, एक होर आंदे होंदे सी ना हार्ड हार्ड जी नब्बी जे रंग दे, वो भी नहीं मिले, बस यही कुछ लैके आया। तो बाकी कुरकरे चिप्स जे सीगे, ये देखना कैसे इसने आम पापड़ खाया, कैरी नमक ही बहुत है। तो ये सब चीजें लेके आया हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी बचपन की यादें, पर बहुत सामान नहीं मिला यार मेरे को, था कि सारी चीजें मिले जो हम बचपन में खाते थे। एक वो ABC वाले बिस्किट आते थे वो खाते थे, एक नमकीन बिस्किट आते थे जिसमें ना होल होता था बीच में छोटा सा, अरे यार वो तो इतने खाए है ना। ABC वाले बिस्किट खाए छोटे होते? नहीं खाए, मिठे आते थे, सच्ची नहीं खाए। अरे यार 1 रुपया मिलना, 1 रुपये का लेके आते थे इतना लिफाफा भर के, सही गल 1 रुपये बहुत होता था। नहीं ये पैकेट में आती थी पहले, एक रुपए का, ये भी एक रुपए का, ये चांद तारे एक रुपए के पैकेट, तो हमने भी खाए हैं बहुत। मम्मी ABC वाले बिस्किट आते थे ना एक, वो बड़े खाते, पता नहीं क्या क्या आता था, आधी चीजें तो मिली नहीं। तो गाइस अभी एक एक चीज टेस्ट करते हैं और अपना बचपन याद करते हैं यार। सबसे पहले खाऊंगा मैं ये आम पापड़ भाई, आए हाय हाय क्यों, कोई बात नहीं, वैसे मैं तो मनीषा ही लेके आंदे हुंदे सी, फिर धो के खांदे हुंदे, आहो मनीषा ने पानी ना धो के खाना, आहो बहुत नमक है, मैंने तो पूरा डाल दिया था, मम्मी मेरा सोचो क्या हुआ होगा, मजा आ गया। ये बूमर भी कितनी खाई है ना, बूम बूम बूमर, बूमर तो बहुत खाई है, तो मेरी फेवरेट है। आ खादी नहीं, खाई जूंगी मैं पक्का, बताता हूँ क्या, ये पैकेट में आती थी हाथी वाली गोलियां, बोलते आम पाचक खाया, आम पाचक है चटमोला बोलते हैं इसको, हाँ तो हाथी वाली गोली नहीं, ऐसी बोलते थे ना हाथी वाली गोली, हाँ चटमोला कितना खाया मैंने ये। अच्छा और क्या, आए हाय हाय गाइस ये देखो, आए हाय ओ गोलियां बड़ियां हो गई, आगे छोटी होंगी है ना, सारा कुछ चेंज हो जाऊंगा। ओ हेलो सारी डाल दी आपने, एक ही तौर पे टेस्ट कर लिया हमदा, मजा आ गया। चांद तारे है ना बड़े ही होने, पहले छोटे छोटे आंदे पहले पाउच आंदे थे, पाउच तो हम भी हमारी दुकान होती थी ना किराने की, तब मेरा इतना ध्यान नहीं था, बेचते होंगे छोटे बच्चे ने, बोतल का क्या कर दिया, इधर दो छोटे बच्चे ने, इधर खोल दो, देना हाथ में डाल दो। मैंने कलरफुल खाए, कलरफुल रहे हाँ। आ खाते हैं मैं तो आई, कलरफुल आंदे होने कल मिठे होंगे होने, फिर कल मिठे, अच्छा वो समझ गया मैं केड़े कह रही है, हाँ वो नहीं वो मिठे 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 सी, वो तो मिठे होंगे, ये तो खट्टे मिठे होंगे ना,
खाने पे कॉन्सेंट्रेट। मम्मी हो गई याद ताजा बचपन दिया है क्या है मजा। ओए होए होए टटियां लगे नी इना खट्टा खा हाजमोला खाने एक हाँ, डाबा तो एक डाबा अनारदाना वा इमली वाला नहीं है इमली है ये इमली है और ये पुदीना है ना पुदीने वाला खाने हाजमोला भी खा लियो हाजमोला खा के उन सारा को पचा लियो अपा सारा को ट्राई कर आ रहेगी ओए संतरे वाली गोली तो रहेगी मम्मी बस हां कितने कितने के मिले ये कितने कितने के सब कुछ महंगा हुआ बड़ा ये तो 5-5 की होगी बोतल ये 5 की बोतल और ये पाइप चूरन वाले ये तो 1 रुपए दईया ये पहले बड़े आंदे हुंदे हुण छोटा साइज हो गया साइज हर चीज दे छोटे हो गए मम्मा कोले पाइप गावे चलो चेयर्स आयो चेयर्स नशा अनु पता की करदे हुंदे छोटे हुंदे चूस लैंदे ही चंगी तरह गिल्ले कर देने पाइप है ना तू भी करदे ही है फिर लगती और करते होते हैं मजे आ गए मजे रबड़ी भी मिलती थी यार रबड़ी वो ना सूखे दूध का पैकेट लालची ਦੇਂ ਚੂਰਨ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੂਰਨ ਇਹ ਚੂਸਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਰਿੰਗ ਇਧਰ ਦੇਖਣੀ ਅਗਰ ਤੋ ਗਲਤੀ ਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਰਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ ਬਸ ਓ ਹੈਲੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਆਮ ਪੱਪੜ ਦੁਆਰਾ ਖੰਨੇ ਯਾਰ ਓ ਦੇਖ ਇਤਨਾ ਸਾਰਾ ਡਾਲੂ ਹੈ ਹੈ ਆ ਓ ਕਿੰਨਾ ਨੂਨਾ बचपन दी चीजां याद कर रहे हैं तू भी खादी होनी सारा कुछ तू मैं नहीं खाता ये उम्र बड़ी खादी है मैं खा लो उम्र खादी जैन तू आ नहीं खाता आम पपड़े ना हां तो खा लो खा तो भी की लेना आ खा ला फिर खा हां 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 और देखन नु एक्चुअली मैं बात बताता हूँ क्या हुई है बात ये हुई है कि इधर जो फ्रेम लगवाया है ना मैंने ये देखो पीछे जो फ्रेम है ना ये खाली है तो सिंगे का एक गाना वा किसी लाइन में दिया फ्रेम भी जड़ा ले मैं फोटो आई बाकी है ना मतलब ऐसा कोई गाना है कि जो की है मम्मी लाइन नहीं तो मन की रद्दा गा रही है तू सिंगे का गाना तू सी दसो मम्मी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਿੰਗੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਓ ਸਿੰਗੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲਾਈਨਾਂ ਐਡਜੈਕਟ ਅਰੇ ਯਾਰ ਐਡਜੈਕਟ ਲਾਈਨਾਂ ਦੱਸੋ ਫੋਟੋ ਫੋਟੋ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੰਗੇ ਦਾ ਆਹੋ ਮੈਂ ਐਡਜੈਕਟ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਝੁੱਠਾ ਵਾ ਅਰੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਐਡਜੈਕਟ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਝੁੱਠਾ ਇਹ ਝੁੱਠਾ ਕੀ ਆ ਫੋਟੋ ਆਈ ਰਹੀ ਫਰੇਮ ਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਆਹੋ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਿਰੀ ਕੋਡ ਰਹੇ ਯਾਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਨੇ ਫਰੇਮ ਲਗਾਈ ਮੰਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਾਣਾ 3 ਵਾਰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਫੋਟੋ ਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਨੇ ਫਰੇਮ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹਾਂ ਫਰੇਮ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾ ਇਹ ਮੰਮਾ ਨੇ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਬਤਾਈ ਹੈ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਦੋ ਬੋਲਤੇ ਔਰ
फिर ना कैमरे में ये ऐसे शूट कर, डायरेक्टर माहौल में डायरेक्टर बोलते कैमरा ऐसे करना है और वो दिखानी है फ्रेम अपनी उधर खाली जब फोटो लग जाएंगे फिर पूरा हाँ फिर पूरा गाना हो जाएगा सुन तो लो फिर गाना पूरा हो जाएगा खाली मतलब फ्रेम च फोटो जड़ा दे क्या आएगा ना बिल्लियां मार रहे हैं और ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अभी आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।